Happy birthday, dear Khushbu. Happy birthday to you. फर्स्ट टाइम है आपके लिए ये द सीक्रेट स्पाइस में ऋतु जी द्वारा ये इनिशिएट किया गया है, जो कि मिट्टी की खुशबू रास्ते मुहिम पे भी प्रॉपर काम कर रहे हैं साथ में, और उन्होंने आशीर्वाद दिया। सबसे पहले गुल्लक बनवाइएगा, कि वो उसको आशीर्वाद मिले और वो जीवन में बहुत तरक्की करे। तो चाहते हैं कि ये चीज़ आज खुशबू के हाथों चाक का पूजन किया जाए। तो खुशबू एक माला ले लीजिए और चाक की पूजा कर दीजिए, इसके ऊपर डाल दीजिए चारों तरफ। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू खुशबू, हैप्पी बर्थडे टू खुशबू, हैप्पी बर्थडे टू डियर खुशबू, हैप्पी बर्थडे टू खुशबू। विजय भाई जी, आप इसको आशीर्वाद दो, ये बहुत तरक्की करे, हमारी ब्रांड एम्बेसडर को भी आशीर्वाद दो, और हमारी संतूर जो यंगेस्ट वो है आगे आइए, आप आपको भी इनको भी आशीर्वाद दीजिए। ये लोग सब हमारे साथ जुड़े हैं, और माता पिता को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मिट्टी की खुशबू राष्ट्रीय मुहिम जो एक कुम्हार परिवार और पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, 7500 से ज़्यादा फाउंडर हूँ द सीक्रेट स्पाइसेस रेस्टोरेंट। हमारी जो सपनों की खोज थी वो मिट्टी की खुशबू ने पूरी कर दी है। तो हम बड़े दिनों से सर्च कर रहे थे कि हमें ऐसे प्रोडक्ट जो केमिकल हों, जो डाई फ्री हों, तो वो यहाँ मिलो। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ ये बुद्धा जी की मूर्ति पाकर, और आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। दीदी, एक फाउंटेन है, जैसे कहते हैं एक झरने का संदेश है, जब आप इसको यूज करेंगे तो जो इसमें से पानी की जो है एक सूदीनेस की जो वॉइस आएगी, तो वो आपको एक पीस ऑफ माइंड देगा। और आप हम जो पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने जो एक मेरे साथ आज मैं और मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं, तो वो हम लोग एक इनिशिएटिव जो हमने आज से 3 साल पहले लिया था, तो आज ये हमारा संकल्प अभी चल रहा है और धीरे धीरे ये मुहिम आगे बढ़ रही है। तो सभी की तरफ से मैं ये कहता हूँ दीदी को हार्दिक शुभकामनाएं। द सीक्रेट स्पाइस के जो है जिनके ये पूरा प्रांगण ए फाउंडेशन ट्रस्ट का फाउंडेशन डे 18 जून को हम सब, आज मेरी दोनों ब्रांड एम्बेसडर कोमल त्रिवेदिया और दीपा चौधरी और विजय प्रजापति भाई जी के हाथ भी जुड़े हैं। स्वरूप ये एक हैंड कुम्हार ने बनाया दीदी, ये हम सम्मान स्वरूप ए फाउंडेशन की तरफ से आपकी सीक्रेट स्पाइस है, और आप ऐसे ही सबकी मदद करते रहे। जय हिंद, जय भारत। तो आज फाउंडेशन डे पे आपको क्या मैसेज देंगे? मैं ये कहूँगी अमित जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, उनकी क्या कहते हैं 3 साल पूरे हो गए हैं, तो आगे भी करती रहिए। थैंक यू, थैंक यू। जो कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने अपने हाथों से बनाए हैं, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। इसमें बहुत सारे ग्रीन मिशन के लिए गमले बनाए गए हैं, और ये नेस्ट है जो हम लोग बर्ड्स और जितने भी ये पशु पक्षी हैं उनको सस्टेन करने के लिए चीज़ों को और एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें बनाने के लिए हम लोगों ने ये नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। ये बना हुआ भी, और साथ में जो इसके ऊपर पेंट किया है वो भी सारा हाथ से किया है, तो ये बहुत ही मेहनत का काम है, और कितने सुंदर लग रहे हैं देखे। हमारा इनिशिएटिव था, तो दीपा चौधरी जी इसकी खुद साक्षात्कार उन्होंने देखा था जब हमने इसको मेगा मॉल में प्रमोट किया था। तो ये सारंगी जो वाटर बॉटल है टेराकोटा की, ये आपको पूरे गुरुगांव एनसीआर में जो हम इसको प्रॉपर प्रमोट करते हैं,
इसका तो हमारे एक प्रॉपर जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल्स भी है मेगा मॉल में, तो इंदू दीदी द्वारा उन्होंने इसको इनिशिएट लिया और उन्होंने हमारे को इसको 30 बॉटल्स का प्रॉपर ऑर्डर भी मिला हमें, और वहाँ से ये प्रॉपर आप ले भी सकते हैं। तो ये चीज़ सेल परचेज और ये जो डायरेक्ट कुम्हार से जो ये डिज़ाइन और जो ये हम इनिशिएटिव लेते हैं, तो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। जब आप इसको ऑर्गेनिक हैंडमेड चीज़ों को आप इसको उपयोग करेंगे तो हेल्दी लाइफ स्टाइल के अंदर जो हमारा यूथ का और बच्चों को सारी चीज़ के हम आपको बताना चाहते हैं, तभी तो ये जो यंग माइंडेड है लोग पीपल्स हैं तभी उसके अंदर उनको चेंज आएगा। नमस्कार, मैं कोमल तेवतिया गुरुग्राम हरियाणा से, ब्रांड एम्बेसडर मिट्टी की खुशबू राष्ट्रीय मुहिम। नमस्कार, मैं दीपा चौधरी गुड़गांव से और मैं मिट्टी की खुशबू की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और मैं यहाँ आज आई हूँ क्योंकि मिट्टी की खुशबू को आज पूरा 3 साल हो गया है और हम लोग यहाँ पर मिलके एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अपने इस खुशी में सभी लोग शामिल हुए हैं और हमें बहुत खुशी है कि हम यहाँ आए हैं और इनका हौसला अफजाई कर रहे हैं अमित जी की। मैं बताना चाहूँगी कि आज का जो ये उपलक्ष है ये बहुत ही खुशी भरा है, क्योंकि हमें खुशी है ये बताते हुए कि ये जो हमारी नेशनल ड्राइव है मिट्टी की खुशबू, आज इसको 3 साल पूरे हो गए हैं। तो मैं अमित रोहिल्ला जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये जो उन्होंने एक मुहिम ऐसी चलाई है जो आजकल चर्चा का विषय है, क्योंकि इस मुहिम के द्वारा ही हम लोग जो एक हमारा ज़ीरो प्लास्टिक है उसको हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करें और अपनी हेल्थ को उस हिसाब से, क्योंकि आजकल जो हमारी हेल्थ है वो क्योंकि मिट्टी के हम लोग बिल्कुल दूर हो चुके हैं उस चीज़ से, और जो हमारा प्लास्टिक यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम लोग की ये पूरी कोशिश है, हमारी पूरी टीम की, कि हम उस चीज़ को दोबारा से लोगों को जागरूक करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करें, और जो कि हेल्दी है और हमारा कल्चर है, मतलब आप देख सकते हैं कि और भी सिर्फ खाने की चीज़ें नहीं है उसमें, ज़ीरो कंपोस्ट, जैसे हम लोग ये कंपोस्ट के लिए हमारे पास ये ज़ीरो वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए कंपोस्ट है, और पोट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे तो मार्केट में आपको ढेरों चीज़ें मिट्टी की मिल जाएंगी। और ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे घर में मोस्ट ऑफ द जो बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, वो रिप्लेस हो चुके हैं मिट्टी के बर्तनों से।